दोस्तों, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं जी फनमजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मिजान म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर मिजान बैंक के जो म्यूचुअल फंड है, अगर आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हलाल मुनाफा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मिजान के कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिनके ऊपर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 36% का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाना था। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आप लोगों को समझा दी जाए कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम मिजान बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं तो सेविंग अकाउंट बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, और इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो भी आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं और जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। सेविंग अकाउंट इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुल्क के अंदर जो प्रॉफिट रेट है वो 21% चल रहा है तो जो बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वो आपको तकरीबन 17% तक, 17 से 18% तक का जो प्रॉफिट है वो दे रहे होते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और जो हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं वो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड नॉर्मल रूटीन के होते हैं वो आपको 20 से 21% का जो प्रॉफिट है वो दे रहे होते हैं किसी भी बैंक के। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम निजान के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का एक दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर निजान बैंक के किसी या दूसरे बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं तो वहाँ पर जो टैक्स डिडक्शन है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा पे करना पड़ती है। यानी कि अगर आप वहाँ पर नॉन फाइलर होते हैं तो आपको 30%, और अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको जो है वो 15% का टैक्स जो है वो देना पड़ता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड होता है तो म्यूचुअल फंड के ऊपर आप लोगों को 20% नॉन फाइलर का, जबकि 10% जो है वो फाइलर का टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये आपको टैक्स के अंदर भी काफ़ी रिलीफ जो है वो दे देते हैं। तो बात करते हैं मिजान इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड की, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा फंड है, क्या क्या आप चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट करने से आपको पहले देखनी चाहिए, सारी डिटेल आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, जो मिजान के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही मसला आ रहा होता है कि भाई किस फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए। तो मिजान के म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को मिजान बैंक की मिजान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन आप इसका अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, ब्रांच से जाकर ओपन करवाना चाहें तो वहाँ से भी करवा सकते हैं, और अगर खुद ऑनलाइन करना चाहें मोबाइल से तो वहाँ पर भी हो सकते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद आप मिजान के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और मिजान के कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है लो रिस्क की, जो दूसरे नंबर के ऊपर होती है वो है मीडियम रिस्क की, और तीसरे नंबर के ऊपर जो कैटेगरी होती है वो होती है हाई रिस्क की। अब आप लोग अगर छोटी अमाउंट 1-2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं या जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने लो रिस्क के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ रहा होता है उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान का भी खतरा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक मुश्तरका टीम जो है वो काम कर रही होती है, आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। हाई रिस्क के ऊपर जो है वो हाई रिस्क के ऊपर करते हैं काम, अगर प्रॉफिट आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा आएगा और नुकसान होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और लो रिस्क के ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ही होता है कि आपको कोई नुकसान हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप बात करते हैं कि मिजान बैंक के अगर आप इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको तमाम जो म्यूचुअल फंड है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड की ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी फंड होता है, इस्लामिक फंड होता है, पेंशन फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है, बैलेंस फंड होता है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज होती हैं। व्यू मोर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिजान बैंक के जितने भी फंड हैं, जितने भी फंड म्यूचुअल फंड इस वक्त काम कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी डिटेल आ जाएगी, किस फंड ने अब तक कितना प्रॉफिट दिया है और किस फंड ने अब तक कितना नुकसान किया, ये सारी जो डिटेल है ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इक्विटी फंड आ जाते हैं। इक्विटी जो फंड होते हैं दोस्तों, ये जितने भी फंड होते हैं ये हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और हाई रिस्क के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है और नुकसान भी बहुत अच्छा होता है। अब ये जो मिजान इक्विटी के अंदर इस्लामिक फंड है, अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आप देखें कि 1062% का जो प्रॉफिट है वो हुआ हुआ है, और मिजान एनर्जी फंड के ऊपर आप देखें तो 32% का नुकसान भी यहां पे हुआ हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हाई रिस्क के जो है वो म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इनकम फंड है। इनकम फंड आई थिंक जो है ये मीडियम या लो रिस्क के ऊपर काम करते हैं, और यहां पर अगर आप देखें
इस वक्त अगर आप इन जो म्यूचुअल फंड है इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 19% का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता है, और डेली के जो इनकम प्लान है यहाँ पे आपको 14% का जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मजीद आपको जो है वो फंड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखें कि अब तक जो है इन्होंने काफ़ी जो अच्छा प्रॉफिट रेट है वो दिया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे और मैं आऊँ और यहाँ पे एक फंड के बारे में आपको बताऊँ तो मिजान एसेट एलोकेशन प्लान 1 है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो अब तक आपको 36.19% का जो प्रॉफिट था वो देखने को मिल जाना था, यानी कि अगर आप लोगों ने 1,00,000 रुपये यहाँ पर लगाया होता तो आपको 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, जिसके ऊपर जो है 20% का टैक्स कटना था या 10% का कटना था अगर आप फाइलर होते। तो ये जो प्रॉफिट है ये सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा बेटर होता है अगर ये मार्केट जो फंड है ये अच्छे तरीके से मैनेज करते रहे। तो दोस्तों ये म्यूचुअल बहुत ज़्यादा फंड है, इसकी डिटेल मैं अगर बात करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक फंड के बारे में आपको रिकमेंड करूँगा। गोल्ड का जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। मिजान गोल्ड फंड के ऊपर मैंने स्पेशल एक अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको उसका कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ। यहाँ पे देखें कि 2022 के अंदर 24% का जो रिटर्न है इन्होंने दिया है 2022 साल के अंदर, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते गोल्ड फंड के ऊपर तो आपको 24,000 यानी कि तकरीबन 25,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपको 1,00,000 के ऊपर जो है वो मिलना था सालाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी ज़्यादा फंड हैं इनके ऊपर आप काम करके म्यूचुअल फंड के ऊपर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो कमा सकते हैं। अब दोस्तों एक बात मैं आपको लास्ट के अंदर बता दूं कि मिजान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पिछले दिनों कुछ एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप मिजान के इस्लामिक कैश फंड के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का ये सवाल तो भाई बनता ही होगा कि यार हम लोगों ने आपने वीडियो तो सारी बना दी है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं बताया। तो भाई सिंपल सा काम है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो, और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा कि हाउ टू इन्वेस्ट मिजान इस्लामिक कैश फंड थ्रू मिजान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, तो वो वीडियो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मुकम्मल जो तरीकाकार है वो मैंने आपको समझाया हुआ है कि उस वीडियो के अंदर आप लोग मुकम्मल जो है वो वाच कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग मिजान इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के अंदर जाकर जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से ये चीज फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं कि कौन सा जो फंड है वो हाई रिस्क का फंड है, कौन सा फंड मीडियम रिस्क का है और कौन सा फंड जो है वो बहुत ज्यादा लो रिस्क है। तो रिकमेंड मैं आपको अभी भी ये कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने हाई और मीडियम की तरफ किसी सूरत भी नहीं जाना है, आप लोगों ने लो रिस्क के ऊपर काम करना है। बेशक आप मिजान के म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बेशक आप यूबीएल म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपने लो रिस्क के ऊपर काम करना है, क्योंकि लो रिस्क के ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता ही मिलता है लेकिन नुकसान का चांसेस वो 0% तक मेरे हिसाब से 0% होता है, क्योंकि वहां पर नुकसान होता नहीं है। हाई और मीडियम की तरफ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी से देख लेनी, आपको मिजान इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा, आपको जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनको एनालाइज करने का तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि इस लो रिस्क या हाई रिस्क या मीडियम रिस्क के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। बाकी दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आप अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।